बालकनी मैक्स सेड विद अ राइसिंग इन्फ्लेक्शन नो अपास की आई डिडेंट नो अबाउट द बालकनी इट माइट हैव सेव्ड मी सम ट्रबल हैड आई नो। मैक्स क्या कहता है, बालकनी की बात कर रहे हो पर मेरे पास तो मास्टर की है, पास की मीन्स मास्टर की जिससे सारे लोग ओपन हो जाते हैं, तो मैं क्यों मुसीबत लूंगा इस चीज की जो मैं बालकनी से आऊंगा। इट्स नॉट माई बालकनी, अ सेबल सेड विद एक्सट्रीम इरिटेशन, इट बिलोंग्स टू द नेक्स्ट अपार्टमेंट। He glanced explanatory at Fowler. You see, he said, this room used to be a part of a large unit, and the next room through that door there used to be the living room. It had a balcony which extends under my window now. You can get into it from the empty room two doors down, and somebody did last month. This management promised to block it off, but they have not. अब वो कहता है यहाँ पर एक पहले एक ही रूम हुआ करता था जिसको दो रूम में बना दिया गया है, और उस रूम की बालकनी होती थी, ये लिविंग रूम था एक, और मेरी जो विंडो है उसकी बालकनी से अटैच्ड है। ठीक है, लास्ट मंथ भी ऐसा हुआ था तो मैनेजमेंट ने मुझे प्रॉमिस किया था दोबारा से ऐसा कुछ नहीं होगा। मैक्स ग्लैंस्ड एट फाउलर हु वाज स्टैंडिंग स्टिफी नॉट फार फ्रॉम अ टेबल एंड वेव द गन विद अ कमांडिंग जेस्टर, प्लीज सिट डाउन ही सेड, वी हैव अ वेट ऑफ हाफ एन आवर आई थिंक। मार्क्स फाउलर की तरफ देखता है और उसको कहता है तुम भी उस टेबल की तरह बैठ जाओ, और अपनी गन दिखाता है उसको, हमें आधा घंटा मुझे लगता है वेट करना पड़ेगा। उस टेबल 31 मिनट्स, उस टेबल सेट मूडली, उस टेबल कहता है 31 मिनट्स करना पड़ेगा। द अपॉइंटमेंट वाज फॉर 12:30, आई विश आई न्यू हाउ यू लर्न अबाउट द रिपोर्ट मैक्स। वो कहता है मुझे समझ नहीं आ रहा तुम्हें पता कैसे चला भी जो है ये रिपोर्ट तेरे पास आ गई, भी आज पेपर आने वाले हैं। The little spy smiled evilly, and we wish to know how your people got the report, but no harm has been done. I will get it back tonight. What is that? Who is at the door? अब वो जो है ना, Max smile करता है, हमें पता लग जाता है हमारे लोगों से हमें रिपोर्ट मिल जाती है, लेकिन आज कोई भी हार्म होने वाला नहीं है, मतलब मैं बिना नुकसान के यहाँ से पेपर ले जाऊंगा और आज ही चला जाऊंगा। What is that? Who is at the door? तभी अचानक से आवाज आती है दरवाजा खटखटाने की, कौन है डोर पर? Fowler jumped at the sudden knocking at the door. Osable smiled. That will be the police, he said. I thought that such an important paper as the one we are waiting for should have a little extra protection. I told them to check on me to make sure everything was all right. Check on me means visit करना। अब फाउलर एकदम जंप करके डोर की तरफ जाता है और सेबल स्माइल करता है, शायद पुलिस आ गई है, मैंने कहा था आज एक इम्पोर्टेंट पेपर आने वाला है, तो शायद पुलिस मुझे प्रोटेक्शन देने के लिए आ गई है, मुझे लगता है वो विजिट ही कर रही है मेरे लिए, मैं श्योर हूँ। मैक्स बिट हिज लिप नर्वसली, द नोकिंग वाज रिपीटेड। मैक्स जो है नर्वस हो जाता है और नोकिंग जो हो रही है डोर पर वो रिपीट होती जा रही है। What will you do now, Max? Osable asks. If I don't answer the door, they will enter anyway. The door is unlocked and they will not hesitate to shoot. अब मैक्स, Osable मैक्स को पूछता है, अब तू क्या करेगा मैक्स? अगर मैंने आंसर नहीं दिया तो मेरा डोर जो है वो अनलॉक है, पुलिस कभी भी अंदर आ सकती है और तेरे को शूट कर सकती है, हेजिटेट नहीं करेगी। मैक्स फेस वाज ब्लैक विद एंगर एज ही बैक्स स्विफ्टली टुवर्ड्स द विंडो। He swung a leg over the sill, send them away, he warned, we'll wait on the balcony, send them away or I will shoot and take my chances. अब मैक्स का फेस जो है वो गुस्से से काला पड़ जाता है और वो जल्दी से विंडो की तरफ बढ़ता है और अपनी जो लेग है वो सिल पर रख देता है जो स्लैब बनी होती है उसके ऊपर, और वार्निंग देता है, मैं बालकनी में जा रहा हूँ, तुम इनको भेज दो नहीं तो मैं तुमको शूट कर दूंगा और मैं रिस्क नहीं लेना चाहता आज। द नोकिंग एट द डोर became louder and a voice was raised, Mr. Osable, Osable. अब दरवाजे पर नोकिंग हो रही है बार बार, तेज तेज से आवाज आ रही है, Mr. Osable, Mr. Osable. Keeping his body twisted so that his gun still covered the fat man and his guest, the man at the window grabs the frame with his free hand to support himself. Then he swung his other leg up and over the window sill. अब अपनी मैक्स अपनी बॉडी को ट्विस्ट करता है और कवर करता है फैट मैन अपने गेस्ट को, मैन विंडो की तरफ जा रहा है, फ्रेम की तरफ जा रहा है, मैक्स मतलब मैक्स उधर जा रहा है, उसने एक हाथ से विंडो को पकड़ा हुआ है और वो अपनी एक लेग को सिल पर रखा है और दूसरी को विंडो से बाहर निकाल रहा है। द डोर नोब टर्न स्विफ्टली, मैक्स पुश्ड विद हिज लेफ्ट हैंड टू फ्री हिमसेल्फ फ्रॉम द सिल एंड ड्रॉप टू द बालकनी।
एंड देन एज ही ड्रॉप्ड ही स्क्रीम्ड वंस श्रीली। अब जैसे ही डोर नोब टर्न होती है, मैक्स फटाफट से अपना लेफ्ट हैंड फ्री करता है और सिल में से अपने आप को बालकनी के अंदर ड्रॉप करता है। और जैसे ही वो ड्रॉप करता है, बहुत ही तेज आवाज आती है चिल्लाने की। द डोर ओपन एंड अ वेटर स्टूड देयर विद अ ट्रे, अ बोतल एंड टू ग्लासेस। हियर इज द ड्रिंक यू ऑर्डर फॉर व्हेन यू रिटर्न, ही सेड, एंड सेट द ट्रे ऑन द टेबल डेफ्टली, अनकॉक द बोतल एंड लेफ्ट द रूम। और डोर ओपन होता है, वेटर वहां पर खड़ा है एक ट्रे लेके, बोतल लेकर और दो ग्लास लेकर, और वो कहता है ये आपने रिटर्न में जब आप वापस आ रहे थे आपने ऑर्डर दिया था, मैं आपका ऑर्डर लेके आया हूँ। और वो ट्रे को टेबल पर रखता है और डेफ्टली मीन्स नीटली, बड़ी ही नीटली अनकोक करता है बोतल को, मतलब बोतल को खोलता है और रूम को छोड़कर लेफ्ट कर चला जाता है। व्हाइट फेस्ड फाउलर स्टार्टेड आफ्टर हिम बट ही स्टैमर द पुलिस। अब फाउलर का चेहरा बिल्कुल व्हाइट हो जाता है और वो स्टैमर करता हुआ बोलता है पुलिस कहाँ है पुलिस। There were no police or Sable sight, only Henry whom I was expected. वो कहता कोई पुलिस नहीं थी, और Sable कहता है ये तो Henry था और मुझे पता था Henry ही आया है। But won't that man out of the balcony? Fowler began. Fowler कहता है और वो जो man balcony में है, no said to Sable, he won't return. You see my young friend, there is no balcony. और Sable कहता है नहीं नहीं वो वापस नहीं आएगा मेरे friend, क्योंकि मेरे तो room के बाहर कोई balcony ही नहीं है। मतलब क्या है यहाँ पर, जो ओसेबल था वो चाहे फैट था लेकिन उसका माइंड बहुत शार्प था। उसे पता था मेरे रूम के बाहर बालकनी नहीं है और उसने इमेजिनेशन से क्या बना दी वहां पर बालकनी बनाकर मैक्स का पागल बना दिया। और मैक्स वहां से क्या हुआ, सिक्स्थ फ्लोर से, टॉप फ्लोर से बिल्कुल ग्राउंड फ्लोर पर नीचे गया। तो यहाँ पर बताया गया है डिस्क्रिप्शन जो है एक सीक्रेट एजेंट की फैट होने से नहीं बल्कि माइंड शार्प होने से होती है। थैंक यू।